अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी और उसके साथ बहुत ही टेस्टी हम सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चलिए सबसे पहले मैं आपको चिकन पॉपकॉर्न बनाने की इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने चिकन बोनलेस चिकन हमने लिया हुआ है और साथ में ही हम इसमें एक बाउल में ऐड करेंगे, एक कप के करीब हम ऐड करेंगे दूध, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसे मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे वेनेगर, आप वेनेगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वेनेगर नहीं अवेलेबल है। सोया सॉस भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक अंडा हम तोड़ के डालेंगे, इसे मिक्स करने के बाद हम एक अंडा इसी में शामिल कर देंगे और इसे भी हम मिला लेंगे। अब हम इसमें तमाम सारे चिकन को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम कवर करके हम इसे हम मिला के रख देंगे। हम इसे छः घंटे के लिए इसे कवर करके रखेंगे। आप अगर इसे ओवरनाइट करना चाहते हो तो बेहतर है। इसे हमने 6 घंटे के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। चलिए हम इस सॉस की रेसिपी आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने वाइट मेयोनीज लिया हुआ है, फन फ्यूट का मेयोनीज हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही हम इसमें 2 चम्मच टमाटर केचप ऐड कर देंगे और इसी में हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च और नमक हम इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम लेमन जूस और इसे हम मिला देंगे। और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं लेकिन हम आपके आसानी के लिए इतने ही इंग्रेडिएंट्स में आपको ये यम्मी और डिलीशियस सॉस बनाना बताई हूँ। ये देखिए कितना ऑसम है। तो चलिए चिकन की कोटिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे हमने मैदा लिया हुआ है 1 कप और इसी में हम एक कप के करीब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर और इसी में डाल देंगे लाल मिर्चा का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च हम डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। कोटिंग तैयार है, अब हम इसे कोट करते हैं चिकन में। तो यहाँ पे हमने जो चिकन लिया हुआ है वो, और यहाँ पे हमने ठंडा चिल पानी लिया हुआ है। जो चिकन के हम 8-9 पीसेस को इस पाउडर में जो हमने कोटिंग रेडी की है उसी में हम डालेंगे और जो चिल्ड पानी हमने ठंडा लिया हुआ है इसे हम चारों तरफ से कोट कर लेंगे। और जो हमने ठंडा पानी लिया हुआ है इसे हम बिल्कुल 2 सेकेंड के लिए डिप करेंगे ठंडे पानी में इस चिकन के बाइट को। इस तरीके से हम इसे डिप करते हुए फौरन इस हल्का सा डिप करते हुए इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी को कर लेंगे और फिर हम इसे पानी में डालने के बाद फिर इसे हम कोट कर लेंगे। इसे भी हम इस तरीके से कोट कर लेंगे और सभी चिकन पॉपकॉर्न को हम इस तरीके से कोट करते हुए निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें कोट करके इसे निकाल लेना है। इसकी कोटिंग हमें परफेक्ट करनी है, बिल्कुल घुमा घुमा के। इस तरीके से हमने कोटिंग कर लिया है चिकन को, अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने गैस पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। आपको तेल पहले बहुत ही तेज़ आंच पे गर्म करना है, उसके बाद कम आंच करके इसे हम चिकन पॉपकॉर्न्स ऐड कर देंगे। चिकन पॉपकॉर्न जब हम ऐड करेंगे तो हम बिल्कुल गैप करके ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। नहीं तो और अगर तेल आपका बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जो आपका कोटिंग होगा वो सारा बिखर जाएगा, इसलिए हम इसे कम आँच करके ही हम इसे फ्राई करेंगे।
इसमें हम सभी को ऐड कर लेते, सभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा हम बाद में सेकंड कोर्न में फ्राई करेंगे सेकंड टिप में। तो फर्स्ट टिप में हमने थोड़ा ही सा डाला है और इस तरीके से हम इसे कम आंच में 5 मिनट तक की इसे हम फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद हम चम्मच से इसे इस तरीके से घुमाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो गया है और इसे हम नैपकिन पेपर में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सभी को चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, घर में ज़रूर ट्राई करिए इस चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी को। और ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यम्मी है। और आप ये देखिए तैयार है हमारा चिकन पॉपकॉर्न, ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो अपने घर में आप इसे ज़रूर बनाइए। और ये अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।